शनिवार को अंबेडकर पार्क स्थित लाइब्रेरी में उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की एक शोक सभा आयोजित की गई। यूनियन के अध्यक्ष फहीम खान जी की माताजी महासचिव रितेश द्विवेदी जी के चचेरे भाई एवं राजकुमार बीच जी का देहांत होने पर शोक सभा हुई। सभा में यूनियन के सभी सदस्यों ने उपस्थित रहकर मौन धारण किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यूनियन संरक्षक संतोष गुप्ता जी ने बताया कि सड़क दुर्घटना में राजकुमार बीच जी का देहांत हो गया था, जो पत्रकारिता जगत के लिए बड़े दुख की बात है। तो वहीं उन्होंने कहा कि यूनियन के अध्यक्ष फहीम खान जी की माताजी लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थीं, जिनका देहांत हो गया। साथ ही यूनियन के महासचिव रितेश द्विवेदी जी के भाई का देहांत अचानक होने पर आज यूनियन के सभी सदस्यों ने अपनी संवेदना व्यक्त की और सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सभा में संतोष गुप्ता, वैभव पौरव, अंकित चौहान, जाहिद परवेज, संजीव ठाकुर, विनी अग्रवाल, रवि तिवारी, जरिस मलिक, गोविंद पाल, आशीष आनंद, सतीश सक्सेना, कामरान अकमल के साथ और भी सदस्य मौजूद रहे। हमारे यूनियन के जिला अध्यक्ष श्री फहीम खान साहब की वार्ता और बिज साहब की एक्सीडेंट में मौत और हमारे महामंत्री श्री रितेश द्विवेदी जी के भाई का एक्सीडेंट में मौत के ऊपर आज शोक सभा का आयोजन किया गया था। यहाँ सबकी सबने दो मिनट का मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की है और उम्मीद की है कि अल्लाह उनकी शांति उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके घर वालों को। आज हमारे साथी अध्यक्ष श्री फहीम खान साहब की माता जी का जो स्वर्गवास 31 मई को हुआ था, उसके उनके साथ ही हमारे दो अन्य पत्रकार, एक जनमनसा के संपादक राजकुमार बीच का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने के कारण और हमारे महामंत्री श्री रितेश द्विवेदी के छोटे भाई की मृत्यु हो जाने के कारण ये संयुक्त शोक सभा यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के की ओर से की गई, जिसमें दो मिनट का मौन धारण किया है और अब जल्द ही हमारे यूनियन के साथी तीनों उनके घर जाकर एक अपना शोक संदेश देंगे।